यूपी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने का काम पूरी तत्परता के साथ जारी है। मस्जिद हो या मंदिर, यदि किसी ने सरकारी जमीन का कब्जा किया तो उसको तोड़ने में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, यहाँ बाबा का बुलडोजर आज फिर से गरजा है। बता दें, लखनऊ के अमीनाबाद में स्थित पुराने हनुमान मंदिर के पास आज बुलडोजर कार्रवाई है। मंदिर के पास अवैध तरीके से बने कॉम्प्लेक्स पर आज बुलडोजर चल गया। बता दें, अमीनाबाद के पुराने हनुमान मंदिर परिसर में बने कॉम्प्लेक्स पर आज बुलडोजर चल गया। जानकारी के मुताबिक ये कॉम्प्लेक्स पार्क की जमीन पर अवैध रूप से बनाया जा रहा था। 15,000 स्क्वायर फीट में बन रहे कॉम्प्लेक्स को ढहाने का काम सुबह से शुरू हुआ है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। जानकारी के मुताबिक इस अवैध निर्माण की शिकायत पूर्व पार्षद विनोद सिंगल ने की थी। सिंगल पिछले 6 महीने से लगातार नगर निगम के अधिकारियों को पत्र लिख रहे थे कि यहां पर भूमाफिया करोड़ों की जमीन पर निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर मेयर से लेकर नगर आयुक्त और प्रमुख सचिव तक से भी गुहार लगाई थी। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।